छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर अपने एक बयान से भूपेश बघेल सरकार को शर्मिंदा कर दिया है। टीएस सिंहदेव के बयान का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में स्वास्थ्य मंत्री कहते सुने जा सकते हैं कि राज्य सरकार की प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाने की भी औकात नहीं है। सिंहदेव के कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार को प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने टीएस सिंहदेव से उनके आवास पर मुलाकात की थी और मांगों का एक ज्ञापन सौंपा था। कर्मचारियों ने मंत्री से डीए बढ़ाने की मांग की थी। इस पर सिंहदेव ने जवाब दिया था कि चूंकि पैसा नहीं है, कर्मचारियों को कैसे दिया जा सकता है। उनका यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होते ही विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने इसी बहाने राज्य सरकार पर निशाना साध दिया है। वीडियो ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री खुद कह रहे हैं कि सरकार की पैसा देने की औकात नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुप्रबंधन ने छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबाकर दिवालिया बना दिया है। सरकार के पास न तो वेतन देने का पैसा है और न ही घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए पैसा। सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मिस्टर बंटाधार हैं। अपने बयान की वजह से आलोचनाओं से घिरे सिंहदेव को अब सफाई भी देनी पड़ी है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट में लिखा है, शब्दों के चयन को लेकर मुझसे बड़ी चूक हुई है, मुझे इसके लिए खेद है। छत्तीसगढ़ सरकार के लिए केंद्र सरकार का वित्तीय असहयोग अधिक खर्च करने में बाधक बना हुआ है। केंद्र सरकार के पास आज छत्तीसगढ़ की जनता के 20,000 करोड़ रुपए से अधिक लंबित है। आपसे अनुरोध है कि इसके लिए राज्य की जनता के पक्ष में सहयोग करें। मंत्री टीएस सिंहदेव ने 2.20 मिनट के वीडियो में कर्मचारी नेताओं से कहा कि मैं आप लोगों की तरफ से यह बात कह रहा हूं। मैं सरकार की ओर से नहीं बोल रहा हूं। अगर आपके पास पैसा है तो आप देंगे। मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं है। यह बात सही है, मैं आपकी बातचीत सुन रहा था कि आपके पास 6,000 करोड़ रुपए बन रहे हैं, लेकिन सरकार की इतनी औकात ही नहीं है। सरकार 40,000 करोड़ रुपए दे रही है। जब कर्मचारी नेताओं ने कहा कि गरीब से गरीब राज्य के कर्मचारी को मिल रहा है, तो सिंहदेव ने कहा कि यहाँ गरवा नरवा गोबर में अधिक हुआ है, नियमितीकरण करना होगा, वह भी खर्च होगा। मैं मुख्यमंत्री तक आपकी मांग पहुँचा दूंगा। बता दें कि राज्य सरकार के 4 लाख से अधिक कर्मचारी और अधिकारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 22 अगस्त से 34% महंगाई भत्ता, मौजूदा डीए अनुपात में 6% की वृद्धि और मकान किराया भत्ता की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वहीं राज्य सरकार ने 16 अगस्त को सरकारी कर्मचारी के लिए डीए में 6% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, इसे 28% तक ले जाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।